नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल में। तो मित्रों, UGC NET की परीक्षा के अनुसार हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं समस्त सूक्तियों का अर्थ सहित विवेचन, अर्थात जितनी भी हमारे नाटकों में, महाकाव्यों में, गद्य काव्यों में जो जो भी सूक्तियां हैं, हम उनका यहां पर उनको शब्दशः पहले लिखेंगे, फिर लिखने के बाद उसका अर्थ बताएंगे और उससे पूर्व प्रसंग क्या चल रहा था वो बताएंगे और वह सूक्ति किसने कही है, किसको कही है, यह भी आपको अच्छी प्रकार से हम बताएंगे। क्योंकि मित्रों, इससे ऐसा होगा, आपको पूरा महाकाव्य, पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब परीक्षा का समय एकदम निश्चित है और हमारे समीप ही है, इसलिए आप इस सूक्ति को आप केवल पढ़ के भी नहीं जान सकते हैं। अब सूक्ति को एक पढ़ेंगे और उससे पूर्व का प्रसंग जानेंगे और फिर उस सूक्ति का अर्थ क्या है, उस सूक्ति को कैसी अवस्था में किस पात्र ने कहा है, किसको कहा है, वह जान जाएंगे। तो परीक्षा में जब आपके समक्ष यह सूक्ति उपस्थित होगी तो आप बता सकेंगे कि इसका संदर्भ, प्रसंग इत्यादि यह कहां से है, आप बता पाएंगे। तो आप सभी के सहायता के लिए मैंने यह प्रयास किया है। तो आज हम सर्वप्रथम महाकवि विशाख दत्त द्वारा विरचित मुद्रा राक्षसम नामक नाटकम के प्रथम अंक की समस्त सूक्तियां आप सभी के सामने लाकर के मैं उपस्थित किया हूं। तो हम आज इन सभी सूक्तियों को जानेंगे और इन सभी का पूर्व प्रसंग भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम मित्रों, जो यह सूक्ति है यह बहुत प्रसिद्ध है और प्रथम अंक का यह तीसरा श्लोक का पूर्व भाग है, अनुष्टुप छंद में वहां पर यह श्लोक है। चीयते बारिशस्यापि सक्षेत्रपतिताः कृषिः। ऐसा कौन कहता है? सूत्रधार कहता है। अब सूत्रधार क्यों कहता है यह जानते हैं। सूत्रधार और जो नट और नटी आपस में वार्तालाप करते हैं कि नट कहता है कि हमें अपने मंच इत्यादि की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लेनी चाहिए क्योंकि आगे हमने नाटक को प्रस्तुत करना है। यदि हम मंच की तैयारी अच्छी प्रकार से, सारे पात्रों का अच्छी प्रकार से हम तैयारी करेंगे तो हमारा नाटक अवश्य रूप से सफल होगा। उसी प्रसंग को इस लाइन से जोड़ देता है, कहता है कि यदि खेती अच्छी हो तो उस खेती पर भले ही मूर्ख आदमी बीज बोए, भले ही विद्वान आदमी बीज बोए, वो अच्छी ही होती है क्योंकि वहां पर खेत की प्रधानता है, ना कि किसी अच्छे और बुरे आदमी की। उसी प्रकार कह रहा है, यहां पर अभिनयों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रारंभ अच्छा करेंगे, अर्थात हम खेत रूपी मंच को ठीक करेंगे तो हमारा नाटक अपने आप ही ठीक होगा। तो कहता है कि सत क्षेत्र पतिताः कृषिः। सत माने अच्छे क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र माने खेत में, पतिताः माने छिड़की हुई, कृषि माने अनाज इत्यादि जो है वो कैसे होते हैं, चीयते बढ़ जाते हैं। क्यों, कब बढ़ते हैं, बालिशस्य मतलब मूर्ख के भी, बालिशस्य माने मूर्ख के, अपि माने भी, अच्छे क्षेत्र पर छिड़के हुए, पतित किए हुए बीज कृषि चीयते बढ़ते हैं। कहने का भाव यही है कि अच्छे क्षेत्र में बोया हुआ बीज मूर्ख का भी बढ़ जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा यह सूत्रधार इस लाइन के माध्यम से समझाता है। दूसरा जो सूक्ति है वो है गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः। यह चाणक्य कहते हैं, यह चाणक्य अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हमें बहुत कुछ प्रयत्न करना है क्योंकि हमने राक्षस को पकड़वाना है, क्योंकि प्रयत्न हमें करना ही पड़ता है। तो उसी क्रम में कहता है कि गजेंद्राः नरेंद्राश्च। गजेंद्र कहते हैं बड़े बड़े हाथियों को, हाथियों के जो मुख्य हाथी होते हैं वो, और नरेंद्र कहते हैं राजाओं को। और दुखिताः प्रायः सीदन्ति कहते हैं भले भले बड़े बड़े हाथी हों या बड़े बड़े राजे हों, यदि कुछ कर्म करना पड़ता है तो उन लोगों को भी प्रायः अधिकतर से दुखिताः सीदन्ति, दुखित होना ही पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ संघर्ष करना ही पड़ता है। किनको, भले ही वो गजराज हो, भले ही वो राजा हो।
उनको भी मतलब संघर्ष करना ही पड़ता है। इसलिए हमें भी अब संघर्ष करना है, राक्षस को पकड़वाना है, ऐसा चाणक्य बोलते हैं। तीसरी सूक्ति है नहीं खलु, यहां पर विसर्ग नहीं होंगे, क्षमा चाहूंगा, नहीं खलु सर्वः सर्वं जानाति। जो निपुणक नाम का चर है चाणक्य का, वो चर यानी कि उनका दूत है, वह इस वाक्य को कहता है। क्यों कहता है? वो जब वहां से समाचार लेकर के आता है चाणक्य के पास, तो चाणक्य का जो शिष्य होता है वो उसको रोक देता है, कहता है तुम हमारे गुरुजी के पास नहीं जाओगे, हमारे गुरुजी क्या करते हैं सब कुछ जानते हैं, ठीक है, कुछ किसी विषय में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि तुम हमारे गुरुजी से भी अधिक विद्वान हो। तब कहता है नहीं, मैं आपके गुरुजी से अधिक विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन नहीं सर्वः सर्वं जानाति, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ जानता हो। ऐसा वह निपुणक उस शिष्य को कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे गुरुजी सब कुछ जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कहता है कि नहीं खलु, नहीं है ऐसा कोई जो सर्वः सर्वं जानाति, सर्वः माने कोई भी, सभी लोगों में से कोई भी, सर्वम माने सब कुछ को जानने वाला, माने जानाति माने जानता हो, ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो सब कुछ जानता हो। ऐसा कौन कहता है? निपुणक कहता है। ध्यान रखें आप प्रथम अंक में मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के। फिर चौथी सूक्ति है अत्यादरः शंकनीयः, यह चंदन दास कहते हैं। चंदन दास जो मणिकार श्रेष्ठिन है, जो स्वर्णकार है, अर्थात जिसको हम आजकल की भाषा में सुनार कहते हैं, वो है, तो वह कहते हैं इस वाक्य को। क्यों कहते हैं? जब चाणक्य उनसे वार्तालाप करते हैं, तो वो उनसे वार्तालाप करते करते उनसे कुछ उगलवाना चाहते हैं, उनसे सच्चाई पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में राक्षस का परिवार है या नहीं है, ऐसा इत्यादि जानकारी लेने के लिए अपने पास बुलाते हैं चंदनदास को, उसको बैठाते हैं और अच्छा स्वागत सत्कार करते हैं। तो चंदनदास सोचता है कि मैंने तो अपराध किया है, फिर भी ये चाणक्य मेरे को इतना प्रेम क्यों दे रहा है, इतना मेरा आदर क्यों कर रहा है। इसी प्रसंग में वो कहता है कि अत्यादरः शंकनीयः, अति आदरः, अति माने अत्यधिक, आदरः माने सम्मान इत्यादि, शंकनीयः माने शंका का स्थान होता है, अर्थात यह चाणक्य मेरा अत्यधिक आदर कर रहा है, तो इसने इसका मतलब कुछ ना कुछ शंका है, कुछ ना कुछ मेरा दोष होगा, इसलिए यह खाली बिना विषय के मेरी मेरा सम्मान क्यों करता अन्यथा। यह वो चंदन दास चाणक्य के प्रति अपने मन में सोच करके कहता है। फिर पांचवा है, पांचवी सूक्ति है मित्रों, सुलभे स्वार्थ लाभेषु परसंवेदने जनः, परसंवेदने जने कैलं दुष्करं कुर्यात् इदानीं सिविनां विना, ये दूसरी लाइन है इसकी, मुख्य यही है, परीक्षा में इतना पूछा जाता है। यह कहते हैं चाणक्य जी, यह चाणक्य जी कहते हैं, ये किसके प्रति कहते हैं? ये चंदन दास के ही प्रति कहते हैं, क्योंकि जब वो चंदन दास को उसके बारे में पूछते हैं, राक्षस के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बताता है, क्योंकि उसका बहुत ही परम मित्र है राक्षस, उसको छुपाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, वह अपने मित्र की रक्षा करने के लिए उसके बारे में कुछ नहीं बताता है। तो इसी प्रसंग में कहते हैं कि पर संवेदने जने सुलभेश्वर लाभेशु कैदम कुर्यात्, कहते हैं कि पर संवेदने जने, पर माने दूसरे के, संवेदने माने समर्पण में, दूसरे की समर्पणता के लिए, दूसरे की, दूसरे जन की समर्पणता के लिए, मतलब दूसरे के लाभ के लिए, सुलभेश्वर्थ लाभेशु, मतलब सुलभ अर्थ लाभों में, अच्छी प्रकार से धन कमाने में या अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में, कैदम कुर्यात्, इस प्रकार का आज के समय में कौन करता है? कोई नहीं करता है। दूसरे के लिए अपना समर्पण आजकल कोई नहीं करता है, कहने का भाव यही है। कहते हैं कि पहले सतयुग में जो शिवी ने किया था, ऐसा आजकल कोई नहीं करता है, आप कर रहे हो। चंदनदास को कहता है आप राक्षस को बचाने के लिए सब बातों को छुपा रहे हो, एक आप हो, एक पूर्व में सतयुग में शिवी ने किया था, अर्थात अपना दान दे दिया था, अपने हाथ पैरों को काट करके दे दिया था, तो उसके प्रति प्रशंसा करते हुए कहता है। फिर छठी सूक्ति है मित्रों, चाणक्य कहते हैं इसको भी, कहते हैं कि क्षोत्रियाक्षराणि प्रयत्न लिखितान्यपि नियतम अस्फुटानि भवन्ति,
ये कब बोलते हैं? जब प्रथम अंक में वो कुछ लिखवाना चाहते हैं तो वो स्वयं लिखना चाहते हैं पहले जो विभिन्न राजाओं के नाम लिख करके ला रखा है वो तो उसके बाद वो कुछ लेख लिखवाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने राक्षस की मुद्रा को छपाना है, अर्थात राक्षस की मोहर को लगाना है। तो उसमें पहले वो खुद लिखना चाहते हैं, लेकिन वो फिर उस पेशकार यानी कि शकटदास के पास भेज देते हैं। किंतु पहले लिखने से पहले क्या कहते हैं? कहता क्षोत्रिय अक्षराणि, क्षोत्रिय माने जो क्षोत्रिय होते हैं अर्थात जो वेद पाठ करते हैं, उनके अक्षर, उनके लिखे हुए लेख क्या होते हैं? प्रयत्न लिखितानि अपि, अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक लिखे हुए होते हुए भी नियतम माने निश्चित रूप से अस्फुटानि भवन्ति, अर्थात अस्पष्ट होते हैं। क्योंकि जो वेद इत्यादि का अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करने में, पठन पाठन इत्यादि में ही निपुण होते हैं, कुछ भी लिखने में निपुण नहीं होते हैं, अर्थात उनके अक्षर अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक लिख लेने के बाद ही स्पष्ट नहीं होते। अस्फुटानि भवन्ति बोला ना, अस्फुट होते हैं, स्फुट नहीं होते हैं, ऐसा बोलते हैं चाणक्य जी। सातवीं जो सूक्ति है वो ऐसी है, दिष्ट्या मित्र कार्येण मे विनाशो जनितः न पुनः पुनर पुरुष दोषेण। अब जब चाणक्य चंदनदास के प्रति जान जाते हैं कि मुद्रा अर्थात राक्षस का जो परिवार है वो इसके घर में रह रहा है, तो फिर चाणक्य चंदनदास को कहते हैं कि इसको बांध लिया जाए, इसको हम बंदी बनाएंगे। तो इसी प्रसंग में चंदनदास कहता है, ये चंदनदास की उक्ति है मित्रों, ध्यान रखें, याद यहां लिख देते हैं चंदनदास और ये चाणक्य, वहां स्थान अभाव है इसलिए यहां लिख दे रहा हूं, ये चाणक्य की है ये चंदनदास की। तो कहते हैं कि दिष्ट्या यानी कि भाग्य से मित्र कार्येण मे विनाशः जनितः, मित्र के कार्य से अर्थात राक्षस के कार्य से मे विनाशः जनितः, मेरा विनाश उत्पन्न हो गया है, अर्थात मैं बंध गया हूं, अब मैं मरने वाला हूं। मेरे को चाणक्य ने क्या कर दिया है? बांध दिया है। किससे? मित्र के कार्य से, अर्थात उसके कार्य में मैंने समर्थन किया, उसके परिवार को अपने घर में रखा, तो इसलिए मेरा विनाश उत्पन्न होने लगा है। न पुनः पुरुष दोषेण, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, अर्थात मैं मित्र की गलती के लिए अपने को विनाश के लिए प्रति भेज रहा हूं। ऐसा कौन बोलता है? चंदनदास बोलता है। ध्यान रखें, मित्र कार्येण मे विनाशो जनितः न पुनः पुरुष दोषेण, मेरे पुरुषार्थ के अर्थात मेरे दोषों से यह नहीं हो रहा है, मित्र के उससे हो रहा है। आठवां श्लोक है, वो आठवां सूक्ति है, नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागान्म। ये चाणक्य कहते हैं, ये बहुत ही विशिष्ट शब्द है। यहां पर चाणक्य अपनी बुद्धि को बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत उपयोगी समझते हुए कहते हैं, क्योंकि वो जब कुछ योजना बनाते हैं तो योजना रूपक एक श्लोक है, उसका अंतिम लाइन है ये। वो बोलते हैं कि सब लोग अपने काम में लग जाएं, लेकिन जो मेरी बुद्धि है वो नहीं जाए, मेरे पास ही रहे। बुद्धि तो मां माने नहीं, गान माने जाए, मम माने मेरी, मम बुद्धिस्तु मा गाम, मेरी बुद्धि नहीं जाए। और मेरी बुद्धि कैसी है उसका विशेषण है, नंदो उन्मूलम दृष्ट वीर्य महिमा। नंद वंश के उन्मूलन में अर्थात विनाश में देख लिया है जिसने वीर्य की महिमा को, अर्थात उसके वीरता की पराक्रम की महिमा जिसने नंद वंश के विनाश में देख ली है, ऐसी प्रकार की बुद्धि कहीं ना जाए, मेरे पास ही स्थित रहे, अर्थात मैंने अन्य भी काम करने हैं और आप सभी लोग जाएं। ऐसा चाणक्य अपने चरों को, अपने गुप्त चरों को कहते हैं। चाणक्य लिखा है मित्रों, आप देख लीजिएगा। अब नवा जो ये सूक्ति है, यह है शिरसि भयम् अति दूरे तत् प्रतीकारः। ठीक है, तत् प्रतीकारः है, कहने का मतलब चाणक्य कहते हैं जब वो चंदनदास को पकड़ते हैं तो चंदनदास की स्थिति बड़ी डरावनी हो जाती है, भयभीत हो जाता है, वो सोचता है अब मैं कैसे बचूं, मेरा प्रतिकार अब यहां पर है ही नहीं, कोई अर्थात उपाय नहीं मिल पा रहा है, मैं अगर बचना भी चाहूं तो बहुत दूर है, वहां जाकर के मुझे राक्षस से कुछ सहायता लेनी होगी तभी मैं
बचूंगा। तो ऐसे में चाणक्य उसकी स्थिति को देख करके स्वयं बोलते हैं, कहते हैं कि शिरसि भयम्, सिर में भय आया हुआ है, अर्थात उसके सिर के ऊपर भय मंडरा रहा है क्योंकि वो पकड़ा गया है चंदन दास। तो कहते हैं शिरसि भयम्, सिर में भय है, अति दूरे, अत्यधिक दूर है, तत् प्रतिकार, उसका प्रतिकार कहां पर है, बहुत ही दूर है, ऐसा जिसके सिर में क्या आया हुआ है, भय आया हुआ है, इसका प्रतिकार कहां है, बहुत ही दूर है, ऐसा चाणक्य चंदन दास के प्रति कहते हैं। इतना ध्यान रखें, कौन किसके प्रति कहता है इतना ध्यान में। तो मित्रों आज के लिए इतनी शुक्रिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको पुनः देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अग्रिम वीडियो में आपके समक्ष में अगली सूक्तियों को लेकर के आऊंगा, दूसरे अंक की। इसी क्रम में हम समस्त काव्यों, नाटकों, गद्य साहित्यों की, चंपू साहित्यों की सबकी सूक्तियां लाएंगे आपके समक्ष। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। नमः संस्कृताय।